हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम एक अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का, और इसका नाम है नोवल सोसाइटी एंड हिस्ट्री। इसमें शुरुआती दौर में हम देखेंगे कि कैसे यूरोप में नोवल्स का जो है उसकी शुरुआत हुई, एंड कैसे लोग नोवल्स की तरफ खिंचते चले गए, एंड नोवल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट भी बन गई, एंड उसमें बहुत से आइडियाज़ भी शेयर किए जाने लगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इंडिया में नोवल्स आईं, इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट था उसमें भी कहीं ना कहीं नोवेल्स का और जर्नल्स का, मैगज़ीन का, ये जो प्रिंट कल्चर है इसका भी रोल रहा। ओवरऑल ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड माय पर्सनल फेवरेट दिस चैप्टर इज़, बिकॉज आई लव बुक्स। आई होप आप लोगों को भी बुक्स पसंद हैं, बिकॉज बुक्स कैन डेफिनेटली मेक अ वेरी बिग डिफरेंस इन आर लाइफ। ओके, सो बुक्स बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल चीज़ आज कोई है अर्थ पे तो वो है बुक्स, क्योंकि उसमें लोग क्या करते हैं, अपने 70-80 सालों का, 100 सालों का अपना जो एक्सपीरियंस होता है पूरी ज़िंदगी का। ओके, सो आप सोच के देखिए, एक जो इंसान होता है तो वो 70-80 साल जीता है। 70-80 साल का अगर उनका जीवन एक बुक में, जिसके शायद 400 पन्ने होंगे, 500 पन्ने होंगे, उतनी सी बुक में अगर इतना सारा एक्सपीरियंस है 60-70 सालों का, तो उसमें क्या हर्ज है, हमें क्यों नहीं उसे पढ़ना चाहिए। इसीलिए बुक्स इन्फ्लुएंशियल होती हैं, इसीलिए बुक्स जो हैं आज तक ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन एक्सपेरिमेंट रहा है। मतलब हमारी एक इनोवेशन रही है जिसमें हमने प्रिंट कल्चर एंड फिर बुक्स की शुरुआत करी। सो लेट अस स्टार्ट। नोवेल्स जो हैं एक नया तरीका था, लिटरेचर था ये, और ये एक बहुत ही डिफरेंट तरीका था। ओके, सो पहले पैम्फलेट्स वगैरह, जर्नल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें तो होती थी, लेटर्स वगैरह होते थे, लेकिन नोवेल्स जो हैं ये एक अलग ही स्टाइल था लिटरेचर में, और ये बहुत ज़्यादा क्लोजली जुड़ा हुआ था जो भी डेवलपमेंट्स हो रही थी। इसका मतलब ये है कि जैसे पेपर जो है वो ज़्यादा बनने लगा था, तो लोगों के मन में भी ख्याल आया कि अब हम राइटिंग में क्या कर सकते हैं। ओके, तो लोग ज़्यादातर जो शुरुआत में लिखने वाले लोग थे, यानी कि जो इनिशियल ऑथर्स थे, वो ज़्यादातर इंटरेस्ट के लिए लिखते थे, और वो बेसिक चीज़ें जो भी उनके आसपास हो रही होती थी वो सब चीज़ें लिखते थे। और कम्युनिकेशन के जो धीरे धीरे तरीके हैं वो बेहतर हो रहे थे और वो बढ़ रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था, नोवेल्स की डिमांड भी और नोवेल्स के लिए लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था। एंड लोग जो हैं वो जो नोवेल थी, क्योंकि उस नोवेल में ज़्यादातर वही जो आसपास हो रही थी चीज़ें उनके बारे में ही लिखा हुआ होता था, तो जो आम लोग हैं वो नोवेल के साथ अच्छे से रिलेट कर पाते थे एंड पूरी स्टोरी को बहुत ज़्यादा रिलेट करते थे, एंड उनके इंटरेस्ट का एक ये चीज़ बन चुकी थी। अब 17th सेंचुरी में, अगर हम 17th सेंचुरी की बात करें, तो नोवेल्स जो हैं वो इंग्लैंड में और फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा डीप रूटेड तरीके से उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता ही जा रहा था, और 18th सेंचुरी में नोवेल्स बहुत ज़्यादा एक बूस्ट ही मिल गया उनको, और वो ज़्यादा बढ़ने लगी। एंड जो रीडरशिप है, रीडरशिप में बहुत एक्सपेंशन देखा गया, और ये देखा गया कि कैसे अब बहुत से लोग हैं जो कि जुड़े हुए हैं रीडर्स के रूप में, ऑडियंस के रूप में, और वो नोवेल्स को, बुक्स को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, उनको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्योंकि आप सोच के देखिए, एक ऐसा वक्त जहाँ पे कोई टीवी नहीं है, कोई यूट्यूब नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ से हम लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएँ, तो ये कनेक्शन का एक बहुत अच्छा माध्यम था, इसको हम कहते हैं नोवेल्स। ओके, तो अब जो नोवेल्स के रीडरशिप है, नोवेल्स की रीडरशिप में शॉपकीपर्स थे, क्लर्क्स थे, एरिस्टोक्रेसी थे, जेंटलमैन, जो भी लोग जिनके पास वक्त होता था वो लोग बुक्स पढ़ना पसंद करने लगे, एंड वो अपने टाइम से कुछ ना कुछ वक्त निकाल के बुक्स ज़रूर पढ़ते थे, एंड बुक्स एक एंटरटेनमेंट का साथ ही साथ कम्युनिकेशन का माध्यम बनने लगी। अर्ली ऑथर जो थे उनकी धीरे धीरे अर्निंग बढ़ती गई, और वो लोग अलग अलग राइटिंग स्टाइल्स में लिखने की एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते रहे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको फिर सीरियसली लेना भी स्टार्ट कर दिया नोवेल्स को, एंड राइटिंग जो लिटरेचर होता है उसको।
सो मूविंग ऑन, अब हेनरी फील्डिंग जो है, हेनरी फील्डिंग अर्ली 18th सेंचुरी के एक नोवलिस्ट हैं, और मतलब कि ऑथर हैं. और इन्होंने कहा है कि ये जो नोवेल्स लिखने का स्टाइल है, ये मैंने इसकी शुरुआत करी है, और ये अपने आप को क्लेम करते हैं एज द फाउंडर ऑफ अ न्यू प्रोविंस ऑफ राइटिंग. मतलब एक नया कह लीजिए डिपार्टमेंट है, एक नया एरेना है जहाँ पे राइटिंग का जो स्टाइल है वो एक नोवेल के रूप में है. और इसमें वो कह रहे थे कि हम अपने खुद ही रूल्स भी बना सकते हैं. और वॉटलर स्कॉट जो हैं, ये एक कोई और ऑथर हैं जिन्होंने हिस्टोरिकल नोवेल्स लिखी हैं, और जो स्कॉटिश क्लैंस की बीच में लड़ाइयाँ होती थी उनके बारे में लिखा है, और स्कॉटिश बैलेट्स के बारे में लिखा है. एंड उसके बाद है सैमुअल रिचर्डसन, जिन्होंने पैमला लिखा है, पैमला लिखी है. ओके, तो पैमला वॉज द हीरोइन ऑफ द नोवेल 18th सेंचुरी में, और ये लेटर्स के रूप में लिखी गई है. सो जो भी नोवल लेटर्स के रूप में लिखी जाती है उसको हम कहते हैं एपिस्टोलरी नोवल. ओके, तो एपिस्टोलरी नोवल थी पैमला. एंड इसी तरीके से एन फ्रैंक की बुक में भी आपने पढ़ी होगी, जिसका नाम है, या फिर आपने उसके बारे में सुना होगा, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल. वो बुक भी एपिस्टोलरी नोवल थी. उसमें जो एन फ्रैंक हैं, जिन्होंने हिटलर के रूल में जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ था और जो ह्यूमन राइट वायोलेशंस वगैरह हुए थे सबको झेला था, और उस टाइम से वो गुजर रही थी, और तब उन्होंने ये बुक लिखी थी एक लेटर्स के रूप में, जिसमें वो एक अपनी इमेजिनरी फ्रेंड को रेफर करके वो लेटर्स लिखती थी. तो इस तरीके से ये एक एपिस्टोलरी नोवेल का एग्जाम्पल है. और जो पब्लिशिंग मार्केट है वो शुरुआत में काफ़ी कॉस्टली हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे जब ये चीज़ वाइड स्प्रेड हो गई तो फिर वो लोग भी अपना जो कॉस्ट है उन्होंने कम किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारा प्रॉफिट जो है वो तो बढ़ ही रहा है, तो हमें ओवरऑल कस्टमर्स को और ऑथर्स को भी अट्रैक्ट करना चाहिए और पब्लिश करने के लिए एनकरेज करना चाहिए. और शुरुआती टाइम में हेनरी फील्डिंग की जो टॉम जोन्स है, ओके, टॉम जोन्स इज़ अ नोवल जो कि 1749 में लिखी गई थी, वो 3 शिलिंग्स में बिका करती थी. ओके, मतलब एक बुक 3 शिलिंग्स की थी और उसकी 6 वॉल्यूम्स थी. तो उसके कारण ये जो ओवरऑल इसका अमाउंट है वो एक लेबरर की अर्निंग से भी ज़्यादा था, जो कि वो पूरे वीक में कमाता था. ओके, तो 6 वॉल्यूम्स लेने के लिए उनको पूरी वीक की जो अर्निंग है उससे भी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा एक लेबर को. तो ये भी एक कंपैरिजन है जो राइटर ने बिठाया है. एंड 1836 में पहली नोवेल बनी जिसको सीरियलाइज किया गया एक मैगजीन के द्वारा. ओके, सीरियलाइज में यानी कि उसके एपिसोड्स आ रहे हैं. ओके, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसकी कहानी आगे बढ़ रही है. तो इसका नाम था चार्ल्स डिकन की द पिकविक पेपर्स. एंड इस पे काफ़ी सेंसेशन है, और यानी कि ये थोड़ी एडवेंचरस सी इसमें कहानियाँ थी, जिसके कारण ये आज के जो टीवी सीरियल होते हैं उनके जैसी थी. और हम ये कह सकते हैं कि जो आज के टीवी सीरियल्स हैं और आज के जो टीवी सीरीज़ वगैरह होती हैं, वहाँ उसके जो कंसेप्ट हैं, उसका जो बेसिक अंडरलाइनिंग, उसकी जो टाइमिंग्स होती हैं, और उसमें जो बेसिक वो जो हमें फीलिंग्स हमें फील कराते हैं, और जिस तरीके का उनका क्लाइमैक्स होता है, जो उनमें सस्पेंस होता है, और जितना उसमें थ्रिल होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी देखी गई थी. तो ये शुरुआती तो टाइम था जहाँ पे हमने देखा कि जो सीरियलाइज्ड तरीका होता है किसी स्टोरी को पढ़ने का, स्टेप बाय स्टेप उसको जानने का, वो कैसे हुआ होता होता होगा. ओके, तो आज के टाइम पे जैसे हम वेट करते हैं, कोई मान लीजिए कोई वेब सीरीज है, तो उसका एपिसोड आपने पहला एपिसोड देखा तो आप सेकंड एपिसोड का वेट करते हो. उस तरीके से ही ये मैगजीन्स जो है हुआ करती थी, पिकविक पेपर्स बाय चार्ल्स डिकन. उसके बाद जो नोवेल है, नोवेल्स काफ़ी पॉपुलर हो गई, एंड इनको भी बहुत ज़्यादा मास में प्रोड्यूस किया जाने लगा, और इनको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाने लगा. धीरे धीरे इनकी डिमांड बढ़ गई एंड दे बिकम अ कॉमन थिंग इन दी सोसाइटी. एंड फिर उसके बाद द वर्ल्ड ऑफ द नोवेल्स, तो नोवेल्स की
ओवरऑल क्या सिचुएशन थी इन 19th सेंचुरी में. अब जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो अपने आसपास जो चीज़ें हो रही थी उनको देख के नोवेल्स लिखते थे. और 19th सेंचुरी के नोवेल्स में हमने देखा है कि ज़्यादातर नोवेल्स जो होती थी वो ऑर्डिनरी लोगों के बारे में होती थी, जिसमें वो इंडस्ट्रियल एज के कारण जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनके बारे में लिखते थे. इसका जो जो भी चीज़ों के बारे में वो लिखते थे उनमें होती थी फैक्ट्रीज, अनएम्प्लॉयड, पुअर, होमलेस पीपल, वर्किंग इन वर्क हाउसेस. खासकर अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप में तब इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था 18th और 19th सेंचुरी में. तो उस टाइम पे वहाँ पे हमने पॉवर्टी देखी, वहाँ पे हमने पोल्यूशन देखा है, और बहुत सारे स्लम बन गए थे. तो स्लम एरियाज़ की भी अपनी ही कहानी होती थी और उनकी भी अपनी एक कह सकते हैं सोशल एक उसका पैटर्न होता था जो कि बहुत डिफरेंट होता है. वो गांव जैसा भी नहीं होता है और वो शहर जैसा भी नहीं होता है, वो एक अलग सी चीज़ होती है जो स्लम वाली वो होती है. तो उन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी नॉवेल्स में हमने देखा है. जो इंडस्ट्रियल एज की नॉवेल्स होती हैं उनमें स्लम एरियाज़ के बारे में, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने डील किया है. इसका एग्जांपल है चार्ल्स डिकन की हार्ड टाइम्स. तो हार्ड टाइम्स का मतलब ही ये है कि मुश्किल और बुरा वक्त. ओके, तो उसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे कैपिटलिज्म के कारण और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसके कारण बहुत ही बुरी ज़िंदगी जीने को बहुत से लोग मजबूर हैं. उनको उनकी जो अर्बन लाइफ है वो बहुत ही टेरिबल है. इसके बाद है एक बुक जिसका नाम है ओलिवर ट्विस्ट, जिसमें ओलिवर जो है वो एक बहुत ही एक ऑर्फन है, यानी कि वो एक अनाथ बच्चा है जिसको जिसकी देख रेख करने वाले सारे क्रिमिनल्स हैं. और वो बस उसको मतलब वो लोग बस साथ हैं. एंड उस बच्चे को जो भी चीज़ें फील होती हैं उनके साथ रहते हुए और उनके साथ ही बढ़ते हुए, वो सारी जो कहानियाँ हैं वो ओलिवर ट्विस्ट में लिखी गई हैं. एंड उसके बाद एमिले जोला जो हैं उनकी बुक थी जर्मिनल, जो कि 1885 में आई थी. इसमें फ्रेंच माइनर्स की लाइफ के बारे में लिखा गया था. तो फ्रांस में जो खदानें होती थी वहाँ पे काम करने वाले लोगों की लाइफ के बारे में लिखा गया है. और ये दिखाया गया है कि कैसे ओवरऑल उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कोई खुशी नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा इवेंट नहीं है, और ज़्यादातर वो ओवरऑल सारी ज़िंदगी एक ही काम करते रहते हैं. एंड उनकी लाइफ का जो एंड है वो एक नॉर्मल सा और बहुत ही डिस्पेयर से भरा हुआ और सैडनेस से भरा हुआ एक अंत है उनकी लाइफ का. तो वो वहाँ पे हमने देखा कि एक एवरेज फ्रेंच माइनर की ज़िंदगी पोर्ट्रे करी गई है एमिले जोलास जर्मिनल में. और सोसाइटी एंड कम्युनिटी, अब जो थॉमस हार्डी है, थॉमस हार्डी के बारे में आपने सुना होगा. थॉमस हार्डी ने क्या किया, एक बुक लिखी जिसका नाम था मेयर ऑफ कास्टरब्रिज. तो अगर आपको आपने थॉमस हार्डी के बारे में सुना है या फिर आपने उनकी कोई पोयम या नोवेल पढ़ी है तो आपने देखा होगा थॉमस हार्डी क्या करते हैं, हर एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन उनका बहुत ब्यूटीफुल होता है. वो अगर कोई इंग्लिश गांव के बारे में बताएंगे तो वो पहले उसका पूरा लैंडस्केप को एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ फिर वो जो कैरेक्टर होंगे, चाहे वो मेन कैरेक्टर हो या फिर कोई साइड हीरो हो, साइड पर्सन हो, उन सारे कैरेक्टर्स को वो बहुत ही ज़्यादा डीपली और डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं. तो हार्ड टाइम्स में ये देखा गया कि उन्होंने गांव और रूरल एरियाज जो होता है, यूरोप का जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया को अर्बन रीडर्स तक पहुंचाया, क्योंकि पढ़ने वाले अर्बन एरियाज में होते थे. इसलिए वो जब गांव की कहानियाँ लिखते थे तो गांव की कहानियाँ जब शहर के लोग पढ़ते थे तो कनेक्शन बैठता था बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन पॉपुलेशन. सो गाइज, उसके बाद है विमेन राइटर्स. जो नोवेल्स रीडिंग है और साथ ही साथ राइटिंग है, ये विमेन के लिए शुरुआत में इतना ज़्यादा अलाउ नहीं किया जाता था, बिकॉज नोवेल्स वगैरह जो हैं और राइटिंग वॉज कंसिडर्ड करप्ट प्रैक्टिस फॉर वुमेन्स. ओके, तो ये एक तरीके का टैबू था कि वुमेन को नॉवेल्स नहीं पढ़नी चाहिए और लिखना भी नहीं चाहिए. सो
सो ज़्यादातर हमने यूरोप में देखा है कि जो जेन ऑस्टन और चाहे वो शार्लोट ब्रॉन्टे हों, इन सब ने अपने फॉल्स नेम के साथ अपनी बुक पब्लिश करी थी। फिर उसके बाद पता चला था कि ये तो एक वुमेन राइटर के द्वारा लिखी गई बुक्स हैं। तो अब जो वुमेन राइटर्स हैं, इन्होंने अपना देखा कि जो वुमेन की कहानियां हैं और वुमेन की जो फीलिंग्स हैं, उनके इमोशन, उनकी आइडेंटिटी और उनके जो भी एक्सपीरियंस और प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी चीज़ों को उन्होंने बुक्स का रूप दिया। और जेन ऑस्टन ने एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बुक लिखी जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे जो नॉर्मल गाँव में रहने वाली औरतें होती हैं, जो कि 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में ये पूरी कहानी बेस्ड है, तो उसमें ये बताया गया है कि कैसे ये जो लोग हैं, ये जो चार पांच बहनें हैं, ओके, जेन ऑस्टिन की जो ये प्राइड एंड प्रेजुडिस है, इसमें पांच बहनें होती हैं जिनकी जिनकी लाइफ का एक पर्टिकुलर एम यही होता है कि उनकी शादी हो जाए, एक अच्छी जगह पे उनकी शादी हो जाए। सो यही उनका एम होता है और इसके उसके आसपास ही पूरा जो कहानी है वो इवॉल्व करती है और हमें ये दिखाती है कि ओवरऑल वुमेन इन दी 19th सेंचुरी इंग्लैंड, उनकी कैसी सिचुएशंस हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनके इमोशंस क्या क्या हैं। और उसमें हम ये भी देखते हैं कि कैसे धीरे धीरे वुमेन के वुमेन राइटर्स में और वुमेन कैरेक्टर्स में धीरे धीरे वो दिखाएंगे कि कैसे इंडिपेंडेंस आ रही है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसके बाद है शार्लोट ब्रॉन्टे, इन्होंने लिखी थी जेन आयर, जिसमें इन्होंने दिखाया है कि एक विमेन है, काफ़ी इंडिपेंडेंट है और बहुत एजर्टिव है, जैसे ज़्यादातर औरतें नहीं हुआ करती थी 17th सेंचुरी में या इवन 18th सेंचुरी में यूरोप में भी और पूरी दुनिया में भी। तो जेन आयर जो है एक ऐसी औरत है जो कि काफ़ी इंडिपेंडेंट है एंड बहुत एजर्टिव है, एंड ये क्या करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं हिपोक्रेसी एंड क्रुएलिटी के अगेंस्ट। लास्ट में वो टीचर बन जाती हैं एंड फिर द स्टोरी गोज ऑन लाइक दैट। ओके, उसके बाद है जॉर्ज एलियट, जॉर्ज एलियट ने लिखी है मिल ऑन द फ्लॉस, एंड ये फ्रीडम के बारे में लिखा है इन्होंने। ओके, एंड जो नोवेल्स के द्वारा एक एक विमेन को फ्रीडम मिल रही है उसके बारे में इन्होंने बहुत ही फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस किया है। अब नोवेल्स फॉर द यंग, यंग जो जनरेशन होती है उनके बारे उनके लिए जो नोवेल्स आई थी उसमें आर एल स्टीवनसन ने ट्रेजर आइलैंड नाम की एक बुक लिखी 1883 में, जिसमें उन्होंने आइडियलाइज किया एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेन। ओके, तो आज के टाइम में हम इस चीज़ को बहुत कॉमन मानते हैं, लेकिन आर एल स्टीवनसन ने जो अपनी बुक लिखी जिसका नाम था ट्रेजर हंट, उसमें उन्होंने सबसे पहली बार ये दर्शाया कि एक आदमी जो है उसको पावरफुल, एजर्टिव और डेयरिंग, इंडिपेंडेंट और एडवेंचरफुल होना चाहिए। ओके, ये चीज़ जो है पहले ऐसा नहीं सोचा जाता था कि एक जो एक आदमी को पावरफुल और एजर्टिव ही होना चाहिए। ये चीज़ धीरे धीरे बुक्स और फिर उसके बाद फिल्म्स के द्वारा आगे बढ़ी है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि एक न्यू टाइप ऑफ मैन को यहाँ पे पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आए रडयर्ड किपलिंग, रडयर्ड किपलिंग ने जंगल बुक लिखी और इसको आप जानते होंगे मोगली के नाम से। तो मोगली की जो कहानी है वो रडयर्ड किपलिंग ने लिखी है, जो कि हमने डिज्नी पे भी देखी है, जिसकी बुक्स भी हमने देखी हैं, एंड बहुत ही अच्छी कहानी है ये। लेकिन हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में रडयर्ड किपलिंग जो हैं वो ये दिखाना चाहते थे कि जो कॉलोनाइज़र हैं, यानी कि जो ब्रिटिश लोग हैं और जो भी यूरोपियन पावर्स हैं जो कि इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जाके, यानी कि एशिया में जाके या अफ्रीका में जाके या फिर साउथ अमेरिका में जाके कॉलोनाइज़ करती हैं लोगों को, वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत ही हीरोइक हैं और वो बहुत ऑनरेबल हैं, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को डाल रहे हैं और ऐसे देशों में जाकर रह रहे हैं जहाँ पे उनके जैसा नहीं है, उनकी 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 सोसाइटी जैसी सोसाइटी नहीं है और सब कुछ बहुत अलग है, और वो वहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनको उनसे मिल भी रहे हैं और उनको सिविलाइजेशन में कन्वर्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसा सोचना था रडयार्ड किपलिंग का और वो यही दिखाना चाहते थे अपने नोवेल्स के
जरिए कि जो कॉलोनाइजर्स हैं वो बहुत हीरोइक होते हैं और ऑनरेबल भी होते हैं। सो ये एक फेंट आइडिया था, एक छोटा सा आइडिया था जो सारे जितने भी राइटर्स हैं ब्रिटिश टाइम्स के, और खासकर कॉलोनाइजेशन का जो टाइम था और इम्पीरियलिज्म का जो टाइम था, उस टाइम के सारे राइटर्स जो हैं ऐसी आइडियाज़ जो हैं वो दिखाते रहते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी और कितनी भी सुंदर उनकी कहानी हो। लेकिन ये वाली जो फीलिंग है कि जो कॉलोनाइज़र हैं वही अच्छे हैं, वही हीरोइक हैं, वो ज़्यादा ऑनरेबल हैं, ये फीलिंग सारे ही राइटर्स में रही है। ओके, उसके बाद है जी ए हेन्ती। जी ए हेन्ती जो हैं इन्होंने ये काफ़ी पॉपुलर, इन्होंने एक बुक लिखी जो कि एक हिस्टोरिक एडवेंचर था, और बॉयज़ के लिए ही इन्होंने बुक लिखी, और ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनाइजेशन की तब एकदम टॉप पे वो पहुंचे हुए थे, पीक का टाइम था, तब उन्होंने ये वाली जो बुक लिखी है, इसका नाम है अंडर ड्रेक्स फ्लैग। और उसके बाद है हेलन हंट जैक्सन, इन्होंने रामोना लिखी 1884 में, और सारा वोल्सी इन्होंने लिखी व्हाट केटी डिड इन 1872, एंड ये ज़्यादातर लव स्टोरीज थी, एंड ये ज़्यादातर जो विमेन और गर्ल्स का सेक्शन होता है उनको, गर्ल्स ऑडियंस होती है या गर्ल गर्ल रीडर्स होती हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये उन्होंने बुक लिखी थी। ओके, और फिर उसके बाद है कॉलोनाइजेशन एंड आफ्टर। सो जो नोवेल्स यूरोप में आ रही थी वो ये दिखाना चाहती थी कि जो कॉलोनिस्ट होते हैं, यानी कि जो ब्रिटिश लोग हैं, यूरोपियन लोग हैं, जो दूसरे देशों में जाके वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ पे उनके नेचुरल रिसोर्सेस को कंट्रोल कर रहे हैं, वो लोग सुपीरियर हैं, वो एक सुपीरियर कम्युनिटी से आते हैं, और जो लोग कॉलोनाइज्ड हैं यानी कि जो लोग नेटिव हैं वहाँ के जहाँ पे ये कॉलोनीज बन रही हैं, वो लोग बहुत ही नाइफ, यानी कि उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं है और वो लोग पुराने वक्त में ही जी रहे हैं, वो लोग अभी मॉडर्न और एडवांस नहीं हुए हैं और उनको अभी हमें बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। ये वाली जो थिंकिंग है ये ज़्यादातर नॉवेल्स में रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद है जोसेफ कॉनराड। कॉनराड जो हैं इन्होंने एक काफ़ी ब्रेव चीज़ करी, और ये इन्होंने अपनी नॉवेल्स में डार्क साइड दिखाई कॉलोनियल ऑक्यूपेशन की, लेकिन ये चीज़ 20th सेंचुरी में जाकर इन्होंने पेश करी, जब तक कॉलोनाइजेशन जो है उसके जो बुराइयां हैं वो सामने आ ही रही थी। तो जोसेफ कॉनराड इन्होंने क्या किया, डार्क साइड ऑफ कॉलोनियल ऑक्यूपेशन को शो शो किया। उसके बाद है डेनियल डेफो। डेनियल डेफो ने एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक लिखी जो कि बच्चों में भी बहुत फेमस होती है एंड ओवरऑल काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट बुक रही है। इसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक एडवेंचरर था जो कि एक आइलैंड में फंस गया था, एंड लेकिन अब ये जो एडवेंचरर है ये कलर्ड पीपल यानी कि जो दूसरे नेटिव लोग हैं वहाँ पे रह रहे हैं और जो भी वाइट नहीं है उनको इन्फीरियर क्रीचर समझता है, और नेटिव्स को ये रेस्क्यू करता है कहीं से एंड फिर उसे अपना स्लेव बना लेता है। एंड कॉलोनियल रूल जो है ये दिखाता था कि कैसे नेटिव लोगों को हमें सिविलाइज करना ही होगा, उनको इंसान बनाना ही होगा, और उनके अंदर एक जो मॉडर्निटी है और एडवांसमेंट है वो लानी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग तो पुराने वक्त में ही जी रहे हैं। ओके, सो नोवेल्स कम टू इंडिया। अब नोवेल्स जो हैं इंडिया में आ गई हैं और इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये हमें देखना है। सो नोवेल जो है ये 19th सेंचुरी तक इंडिया में कोई नहीं जानता था कि नोवेल्स क्या होती हैं और नोवेल्स दुनिया में पढ़ी भी जा रही हैं या नहीं। तो अब धीरे धीरे इंडिया में भी नोवेल्स आती हैं, और लेकिन ये बात है कि हमारे यहाँ पे भी काफ़ी सारी ग्रेट एपिक्स जो हैं वो लिखी जा चुकी हैं, लेकिन वो वर्सेस में लिखी गई थी, एंड कुछ हमारी कहानियाँ रही हैं जो काफ़ी फेमस रही हैं संस्कृत में। इसका एग्जाम्पल है पंचतंत्र एंड कादंबरी। ओके, और अर्लीस्ट नोवेल्स जो हैं वो मराठी और बंगाली में रही हैं। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बाबा पद्मन जी की बात करी है जिन्होंने यमुना पर्यटन 1857 में लिखी थी,
और ये एक सिंपल स्टोरी है जिसमें उन्होंने जो विडो होती हैं यानी कि जो विधवा औरतें होती हैं उनके बारे में, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं और उनका जो कंडीशंस होती हैं उनके बारे में लिखा है। उसके बाद लक्ष्मण मोरेश्वर हलबे, इन्होंने मुक्त माला लिखी है 1861 में। ये एक इमेजिनरी और रोमांटिक स्टोरी है विद अ मॉरल पर्पस। और हरी नारायण आप्टे, इन्होंने हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखी हैं एंड इन्होंने उषा कला लिखी थी एंड जो कि काफ़ी फेमस हुई थी। ये क्या कहते थे कि जो जिंदगी है वो काफ़ी डल और अनइंस्पायरिंग होती है, इसीलिए हमें कुछ इंटरेस्टिंग लिखना पड़ेगा ताकि हमारा एम जो है वो कुछ अच्छा हो सके। ओके, तो लाइफ इज़ डल एंड अनइंस्पायरिंग, हैंस ही रोट अबाउट एडवेंचर। तो ये काफ़ी अजीब सी बात है, काफ़ी डिफरेंट चीज़ है। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं कि साउथ इंडिया में नोवेल्स का क्या एक्सपीरियंस रहा और नोवेल्स के साथ लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा। केरला की सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले ट्रांसलेशन करने की कोशिश करी गई और इंग्लिश नोवेल्स को ट्रांसलेट किया गया मलयालम में। चंदू मेनन जो है इन्होंने बेंजामिन डिजराइली की हेनरिटा टेम्पल ट्रांसलेट करी। लेकिन ये जो आइडिया था ना कि हम यूरोप की नोवेल्स को लेकर उसको ट्रांसलेट कर देंगे एंड इंडिया में बेचेंगे, ये वाली चीज़ इतनी चली नहीं। क्यों? इसका कारण ये था कि उनका जो लाइफस्टाइल था और केरला के लोगों को, यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं इंडिया के लोगों को, इतना नहीं समझ आ रहा था कि जो वहाँ पे अब यूरोपियन स्टोरीज हैं सारी यूरोप के लाइफस्टाइल पे स्थित हैं, तो वो हमें समझ नहीं आ रही थी। तो इसलिए चंदू मेनन ने ये बात छोड़ी और उन्होंने क्या किया, मलयालम में एक बहुत ही ब्यूटीफुल और डिलाइटफुल नोवेल लिखी जिसका नाम था इंदुलेखा। ओके, ये पहली मॉडर्न नोवेल नोवेल बनी मलयालम की। 1889 में इसको पब्लिश किया गया। ओके, तो 1889 में ये लिखी गई। उसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नोवेल्स का जो एक्सपीरियंस है वो ये रहा कि अब एक राइटर हैं जिनका नाम है कंदुकुरी वेरिसा लिंगनम। ओके, तो इन्होंने ट्रांसलेट करी ओलिवर गोल्डस्मिथ की विसार ऑफ वेकफील्ड इनटू तेलुगु, लेकिन उन्हें छोड़ दिया इस चीज़ को। शायद उनका भी यही एक्सपीरियंस रहा होगा कि आम लोग जो हैं, हमारे इंडिया के जो लोग हैं उनको फॉरेन लैंड है वहाँ पे कोई सेटअप वाली जो जो नॉवेल्स हैं वो नहीं समझ आ रही हैं। एंड फिर उसके बाद उन्होंने लिखी राजशेखर करितम्मू 1878 में इन तेलुगु, जब वो तेलुगु में उन्होंने फिर एक बुक लिखी। ओके, और नोवेल्स इन हिंदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो पायनियर रहे, यानी कि वो शुरुआती वक्त में उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया और वो काफ़ी फेमस ऑथर रहे हिंदी लिटरेचर के। और पहली मॉडर्न नोवेल जो है वो लिखी गई थी श्रीनिवास दास ऑफ दिल्ली। ओके, उन्होंने लिखी थी परीक्षा गुरु 1882 में, उन्होंने ये बुक लिखी। परीक्षा गुरु में दिखाया गया है इनर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आउटर स्ट्रगल्स ऑफ न्यूली एमर्जिंग मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के जो दिक्कतें हैं उनको दिखाया गया और ये दिखाया गया कि कैसे मिडिल क्लासेस को यूरोपियन कल्चर या फिर कह लीजिए जो कॉलोनाइजेशन का इफेक्ट है वो भी उन्हें दिख रहा था और वो उसको भी अब वो ले भी सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। और साथ ही साथ उनका जो कल्चर है, उनके जो ट्रेडिशन है, वो भी उन्हें कुछ सिखा रहा है। तो इन दोनों चीज़ों में ये लोग फंसे हुए हैं और अब ये चाहते हैं कि हमारा अपना कल्चर भी बचा रहे, लेकिन वो कॉलोनाइजेशन और कॉलोनियल सोसाइटी के साथ अडेप्ट भी करना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ों के मिडिल में कहीं डायलमा है और ये लोग वहाँ पे फंस चुके हैं। उस चीज़ के बारे में ही परीक्षा गुरु लिखी गई है। नोवेल जो है काफ़ी मॉरलाइजिंग है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ही लेक्चरबाजी हो गई है। ओके, तो कई बार ये क्या होता है जब हम इवन कभी 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 टीचर्स और इवन शायद मैं भी, सबके साथ ये एक्सपीरियंस रहता है जब हम कुछ ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने लगते हैं और
किसी एक साइड में हो जाते हैं, किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा फेवर करने लगते हैं, तो उसमें हमें लगता है कि ये जो सामने वाला पर्सन है ये बहुत ज़्यादा भाषणबाजी कर रहा है। तो यही बात हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा मॉरलाइजिंग और लेक्चरबाजी हो गई थी उसमें, तो इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं रही। चंद्रकांता लिखी गई, चंद्रकांता काफ़ी फेमस है। ओके, नाम से ही आपको पता चलता है, कहीं ना कहीं तो सुनी होगी बुक, ऐसी आपको लगेगा। सो देवकी नंदन खत्री ने ये लिखी थी चंद्रकांता, और काफ़ी पॉपुलर हुए थे, 100 ऑफ रीडर जो हैं ये अट्रैक्ट हुए थे। और अब जो राइटर है, राइटर लिखते थे फॉर द प्लेजर ऑफ रीडिंग। सो इसमें उन्होंने ये भी दिखाया कि कैसे ओवरऑल जो रीडर्स हैं, रीडर्स के मन में क्या डिज़ायर्स हैं एंड फियर्स हैं। उसके बाद आए प्रेमचंद। प्रेमचंद काफ़ी पॉपुलर रहे, ये पहले उर्दू में लिखा करते थे, उसके बाद इन्होंने हिंदी में शिफ्ट किया। और सेवा सदन 1916 में इन्होंने लिखी, बहुत ही सिंपल स्टाइल था, और गांधी जी से इन्फ्लुएंस्ड थे। इनके आइडिया जो थे विमेन के बारे में, डाउरी के बारे में, चाइल्ड मैरिज के बारे में ये लिखा करते थे। नोवेल्स इन बंगाल, बंगाल में जो नोवेल शुरुआती टाइम में लिखी गई वो लव स्टोरीज होती थी, और हिस्टोरिकल या फिर पास्ट इवेंट्स पे बेस्ड होती थी। डोमेस्टिक नोवेल्स भी लिखी जाती थी जिसमें रोमांटिक रिलेशन बिटवीन मैन एंड वेमेन इसको पोर्ट्रे किया जाता था, और साथ ही साथ सोशल प्रॉब्लम्स को भी दिखाया जाता था। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी आम जिंदगी में सोसाइटी में होता रहता है उसके बारे में राइटर्स लिखते थे। ओके, उसके बाद है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने अपनी पहली नोवेल लिखी 1865 में, जिसका नाम था दुर्गेश नंदिनी। एंड इन्होंने एक नए ही ट्रेंड चलाया और पोर्ट्रे किया ऑर्डिनरी लोगों को, जैसे भी वो होते थे, मतलब उनकी कुछ स्ट्रेंथ्स थी, कुछ वीकनेसेस थी, इसी तरीके से उनको उन्होंने शो किया। उसके बाद आए शरत चंद चट्टोपाध्याय, और ये बहुत ही पॉपुलर नोवेलिस्ट रहे बंगाल में। ओके, मोस्ट पॉपुलर नोवेलिस्ट इन बंगाल। उसके बाद उड़िया नोवेल जो है, उड़िया में पहली नोवेल आई सौदामिनी, जिसको लिखा था राम शंकर रे ने, लेकिन ये इनकम्प्लीट ही रह गई। फकीर मोहन सेनापति ने लिखी चान चा मन अट्ठा गुंठा, जिसका नाम है 6 acre एंड देयर 2 decimals ऑफ लैंड। ओके, तो इसका सिंपल सा मतलब है, एक मेजरमेंट है लैंड का, वो उसी चीज़ से नोवेल का नाम है। एंड जो नोवेल है ये डील करती है ज़मीन के बारे में एंड ज़मीन से जुड़ी हुई मुद्दों के बारे में। ओके, उसके बाद नोवेल्स इन असम। असम में नोवेल्स की क्या स्थिति थी, तो पहली नोवेल जो थी लिखी गई थी मिशनरीज के द्वारा, यानी कि जो चर्च वगैरह होती हैं उनके द्वारा, और उनको ट्रांसलेट किया गया था और वो टू ऑफ देम जो थे देवर ट्रांसलेशंस ऑफ बंगाली। तो बंगाली नोवेल्स को ट्रांसलेट करके असमिस में किया गया था, और जिनका नाम था फुलमोनी एंड करुणा। और 1888 में असमी स्टूडेंट जो हैं इन कलकत्ता, उन्होंने असमिया भाषा उन्नति सदन बनाया ताकि वो असमिस में अपना जो लिटरेचर है उसको बचाएं और उसको आगे बढ़ाएं। और एक जनरल लाई, यानी कि एक मैगजीन चलाई जिसको कहा गया जनकी। ओके, और ये जो जनरल है इसने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ खोली, बहुत से नए ऑथर्स अपने आप को डेवलप कर पाए, एंड अपनी अपनी नोवेल्स भी उन्होंने लिखी। रजनीकांता बरदोली, इन्होंने अपनी पहली मेजर हिस्टोरिकल नोवेल लिखी असम में, और जिसको कहा गया मनुमति, और 1900 में इसको लिखेगी। और ये बर्मीज इन्वेशन जब हुआ था, यानी कि जो म्यांमार है जिसको पहले बर्मा कहा जाता था, वहाँ से जब फोर्सेस ने अटैक किया उस बारे में ये कहानी थी। और नोवेल जो है ये राइटर ने ओल्ड सोल्जर्स जो हैं, जो पुराने सैनिक वगैरह होते थे जिन्होंने बर्मीज इन्वेजन को देखा था, उनसे इन्होंने कहानियाँ सुनी थी, और फिर वो जो नोवेल थी उसको लिखा गया था। और
इसमें ओवरऑल इसके दो हीरो हैं, वो देर आर टू लवर्स जो कि दो हॉस्टाइल फैमिलीज, मतलब जो ऐसी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करती, लेकिन जो जब लड़ाई होती है, जब वॉर होती है, बर्मीज इन्वेशन होता है, तो वो अलग हो जाते हैं लेकिन बाद में वो यूनाइट हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके की ये नोवेल है, काफ़ी इसमें क्लाइमैक्स और सस्पेंशन रहा होगा जिस तरीके की स्टोरी है ये। ओके, एक तो वॉर है, हिस्टोरिक है और साथ ही साथ एक लव स्टोरी है, तो सब सब चीज़ें मिला के एक बहुत ही अच्छी नोवेल का इंग्रेडिएंट बन रहा है। ओके, फिर उसके बाद है कॉलोनियल वर्ल्ड में जो नोवेल्स आई। सो नोवेल्स को हमने यूज़ किया, इंडियंस ने नोवेल्स को जिस तरीके से यूज़ किया, हमने अपनी रीडरशिप बढ़ाई, हमने अपना लिटरेचर बढ़ाया, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे ना वो कुछ अलग ही काम कर रहे थे। जो हम नोवेल्स लिखते थे यानी कि वर्नैकुलर लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल अब जैसे हमने देखा आंध्र प्रदेश में तेलुगु में नोवेल्स लिखी जा रही हैं, केरला में मलयालम में लिखी जा रही हैं, फिर हमने असमिस में देखा, फिर उसके बाद बंगाली में देखा, तो इन सारी नोवेल्स को ये लोग क्या करते थे, ये पढ़ते थे। और यहाँ से इन्हें पता चलता था कि लोगों की ज़िंदगी कैसी है, लोगों के रीति रिवाज कैसे हैं, उनकी सोशल प्रॉब्लम्स कैसी हैं। इसको जब हम समझ लेते हैं तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है यानी कि जो हमें हम पर राज कर रहा है उससे और ज़्यादा समझ आता है कि ये जो सोसाइटी है इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। ओके, ये जो सोसाइटी है इसके अंदर इन लोगों की फीलिंग्स क्या हैं, इनकी इच्छाएं क्या हैं, और इसके साथ वो क्या क्या कर पाते थे कि अलग अलग लोगों को, अब इनको पता था इंडिया में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कास्ट है, रिलीजन है, तो ये जब नोवेल्स पढ़ते थे तो उनको और ज़्यादा अच्छे से समझ आता था हमारी कंट्री के बारे में, और वो अच्छे से हमको रूल कर सकते थे नोवेल्स को ज़्यादा अच्छे से स्टडी करके और उनको समझ के। और जो नोवेल्स थी वो इंडियंस जो थे, इंडियन राइटर्स जो नोवेल्स लिखते थे उसमें कभी कभार वो ये भी चीज़ लिखते थे कि कैसे हमारे इंडियन सोसाइटी में कुछ खामियां हैं जिसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। ओके, चाहे वो विडो रीमैरिज की प्रॉब्लम हो, चाहे सती प्रथा हो, चाहे चाइल्ड मैरिज हो, कोई भी चीज़, कास्ट सिस्टम हो, ये सारी ही चीज़ें हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम बन के खड़ी हैं जिसको हमें सॉल्व करना चाहिए। तो ये चीज़ें उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट थी, इसीलिए जो नोवेल राइटर्स थे वो ये सारी चीज़ों के बारे में लिखते थे और इसको चाहते थे कि हमारे जो डिफेक्ट्स हैं सोसाइटी में उसको ख़त्म किया जाए। जो नोवेल्स हैं उन्होंने पास्ट के साथ भी हमारा लिंक बढ़ाया, अब उन्होंने पास्ट के साथ हमारा लिंक बढ़ाया और हमने जब पास्ट के बारे में पढ़ा, पास्ट की जो कहानियाँ हुई, जंग हुई, वॉर हुई, बैटल्स हुई, उनके बारे में जब हमने पढ़ा तो हमारे मन के अंदर नेशनल प्राइड जो है उसकी भावना आई कि हम भी हमारा जो देश है बहुत महान है, और हमारे मन में देशभक्ति की भावना बढ़ी। सो एक कलेक्टिव बिलोंगिंग की भी, मतलब हम एक ही नेशन को बिलोंग करते हैं, ओवरऑल जो एक नेशनैलिटी की भावना है वो भी ज़्यादा बढ़ने लगी, एंड लैंग्वेज जो है इसका बेसिस बन गई, एक लैंग्वेज को बिलोंग करने वाले लोग ज़्यादा यूनाइटेड होने लगे। अब जो लैंग्वेज ऑफ द नोबल है, लैंग्वेज से बहुत कुछ पता चलने लगा। ओके, तो जैसा भी एक कैरेक्टर बोलता था, कैरेक्टर के बोलने से पता चल जाता था कि उसकी कास्ट क्या है, उसकी क्लास क्या है, उसकी रिलीजन क्या है। ओके, उसका रीजन कौन सा है, मतलब वो कौन सी जगह से आया है, तो कास्ट और क्लास सारा कुछ मतलब पता चल जाता था कि वो सोशली इकोनॉमिकली कहाँ पे स्टैंड करता है। ये सारी चीज़ें लैंग्वेज से पता चल रही थी, बात करने के तरीके से। और राइटर जो हैं वो अलग अलग तरीके की जो बात करने की तरीका होता है और अलग अलग सोसाइटी में जो लोग होते हैं उनके नज़रिए से भी ज़िंदगी को देखने लगे, और ये भी देखने लगे कि कैसे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में सेम ही भाषा है लेकिन अलग तरीके से बोली जाती है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो राइटर्स हैं वो ये भी शो करने लगे कि कैसे हमें जो ये कॉलोनियल वर्ल्ड है इसमें हम मॉडर्न बने, और साथ ही साथ अपनी जो डिग्निटी है, अपना ट्रेडिशन और अपनी आइडेंटिटी,
यानी कि हम इंडियन हैं और हमारे अपने कुछ रीति रिवाज हैं, हमारा अपना कुछ कल्चर है, उसको हम ना भूलें। ये भी एक ज़रूरी चीज़ थी जो जो राइटर्स चाहते थे और राइटर्स इसके बारे में लिखा भी करते थे। इसमें चंदू मेनन की इंदुलेखा जो है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल बन जाएगी, क्योंकि इसमें इंदुलेखा में एक हीरो है और एक हीरोइन है। हीरोइन जो है काफ़ी इंटेलिजेंट है, बहुत आर्टिस्टिक है, एजुकेटेड भी है, पढ़ी लिखी है। साथ ही साथ हीरो भी ऐसा ही है, पढ़ा लिखा है, बहुत एजुकेटेड है, लेकिन साथ में वो वेस्टर्न कपड़े पहनता है, लेकिन वो जो क्योंकि वो ब्राह्मण है, वो नायर ट्रेडिशन को फॉलो करता है, केरला का नायर ट्रेडिशन, जिसमें सर पे चोटी रखनी होती है। आई एम सॉरी, ब्राह्मण तो नहीं, लेकिन यहाँ पे नायर ट्रेडिशन लिखा है। तो वो क्या करता है, सर पे चोटी भी बांधता है। तो चोटी बांधता है और साथ ही साथ वेस्टर्न कपड़े पहनता है, मतलब वो मॉडर्न तो है, लेकिन उसने अपना संस्कार और अपने जो भी उसके रीति रिवाज थे उसको उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो ये चीज़ जो थी, इसको बहुत ग्लोरीफाई किया गया कि ये लोग कितने आइडियल हैं, ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये लोग हर चीज़ में अच्छे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी अपना कल्चर छोड़ने की नहीं सोची और अपने कल्चर को ये बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। और रीडिंग जो है, रीडिंग बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट का भी एक सोर्स बन गई, और साइलेंट रीडिंग जो है काफ़ी फेमस होने लगी उस टाइम पे। लोग ट्रैवल करते वक्त घर पे बैठे हुए पढ़ते रहते थे। और हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे बहुत सी तमिल लैंग्वेज में पॉपुलर नॉवेल्स आने लगी, डिटेक्टिव स्टोरीज आने लगी, और काल्कि जो है ये एक काफ़ी पॉपुलर नॉवेल बन गई। ओके, और कथंजलि एक कन्नड़ मैगजीन थी जो कि पब्लिश करी गई थी, जिसमें शॉर्ट स्टोरीज आती थी रेगुलरली। इंदिरा बाई एक कन्नड़ नॉवेल थी, रिटन बाय गुलावडी वेंकट राव, और इसमें विमेन एजुकेशन और विधवा लोग जो औरतें होती हैं उनकी जो लाइफ होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बारे में दिखाया गया है, और अर्ली मैरिज के बारे में भी बताया गया है। उसके बाद है विमेन एंड नोवेल, जो ज़्यादातर औरतें हैं, औरतों के लिए नोवेल्स को अच्छा नहीं माना जाता था, इवन औरतें और बच्चे उनको मना किया जाता था कि उनको नोवेल्स नहीं पढ़नी चाहिए, उनको ऐसी बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए। और अब लेकिन जो औरतें हैं वो भी बुक्स पढ़ा करती थी, और अगर उन्हें मना किया जाता था तो ये भी देखा गया है कि कुछ लोग छुप छुप के भी बुक्स पढ़ते थे। ओके, और वो अब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ते थे, वो लिखने भी लग गई थी नोवेल्स, एंड वुमेन भी अपने आप को एक्सप्रेस करने लगी थी, और ये एक नई और मॉडर्न वुमेन का एग्जाम्पल बन के सामने आई। बहुत सी राइटर्स जिन्होंने अपनी बुक्स लिखी और अपने जो नॉवेल्स हैं, अपनी जो नॉवेल्स हैं उसमें भी उन्होंने यही बताया कि कैसे विमेन जो है उनकी अपनी कहानियां हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में उन्होंने अच्छे से शोकेस किया। इसका एग्जांपल है रोकया हुसैन, जिन्होंने जो कि खुद एक विधवा थी, और इन्होंने गर्ल्स स्कूल खोला था कलकत्ता में। इन्होंने दो बुक लिखी, एक अ फैंटेसी इन इंग्लिश जिसका नाम था सुल्तानाज ड्रीम 1904 में, 1905 में, और इसमें दिखाया कि कैसे एक ड्रीम आता है, आई एम सॉरी, तो इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक ऐसी दुनिया जहाँ पे औरतें जो हैं वो मर्दों की जगह लेंगी, ऐसे एक्सचेंज हो जाएगा। ओके, तो तब क्या हालात होंगे, उस चीज़ को इस नोवेल में दिखाया गया है। उसके बाद है पद्माराग, तो पद्माराग में दिखाया गया है कि कैसे औरतें जो हैं वो अपने खुद के मेहनत से और अपनी खुद की हिम्मत से अपनी पोजीशन को बढ़ा सकती हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हैं। उसके बाद हैना मुलिन्स ने, जो कि एक क्रिश्चियन मिशनरी हैं, उन्होंने लिखी एक बुक जिसका नाम था करुणा करुणा ओ फुल मुनीर बिरबान। ओके, इन्होंने सीक्रेटली ये बुक लिखी, और शैल वाला घोष जया, इन्होंने 20th सेंचुरी में ये काफ़ी पॉपुलर राइटर बन गई, क्योंकि और साथ ही साथ इनके हस्बैंड भी इनको सपोर्ट करते थे बुक्स लिखने के लिए, तो इसीलिए ये काफ़ी पॉपुलर राइटर भी थी। ओके, कास्ट प्रैक्टिसेस एंड लोअर कास्ट एंड माइनॉरिटीज, इनके सराउंडिंग भी काफ़ी नॉवेल्स हम देखेंगे।
अब जो इंदिरा बाई जो नोवल है कन्नड़ में और इंदु लेखा है, इसमें दिखाया गया है जो भी हीरो हीरोइन और जो मेन कैरेक्टर है वो अपर कास्ट के हैं, और उनकी जो बात करने का ढंग है, उनका जो तरीका है, वो सारा अपर कास्ट का है। सो धीरे धीरे हमने देखा कि लोअर कास्ट में भी नोवल जाने लगी। सो पुथेरी कुंजम्बू, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था सरस्वती विजयम, जिसमें इन्होंने दिखाया कि कैसे जो लोअर कास्ट है इन पे ऑपरेशन होता है, और उस चीज़ के बारे में इन्होंने लिखा है, और ये खुद भी एक लोअर कास्ट को ही बिलोंग करते थे, पुथेरी कुंजम्बू। और बंगाल में 1920 में एक नया ट्रेंड चला, और जहाँ पे जो बहुत ही गरीब किसान होते हैं, लोअर कास्ट के लोग होते हैं, इनके बारे में नोवेल्स ज़्यादा स्टोरीज वगैरह लिखने लगे लोग। अद्वैत मुल्ला बर्मन, इन्होंने लिखी तीतश एकती नादर नाम, जो कि एक एपिक है, जो कि जो फिशरमैन होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं, बहुत ही नॉर्मल और सादी जिंदगी वाले लोग होते हैं, तो इनके बारे में, मल्लास के बारे में इन्होंने लिखा है, और वो रिवर के पास रहने वाले लोग होते हैं। और वैक्कोम मोहम्मद बशीर, ये काफ़ी फेमस मुस्लिम राइटर हैं, मलयालम में ये लिखते हैं, और इनकी जो एजुकेशन रही है बहुत ही कम, इन्होंने पढ़ाई करी, ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे हैं, और इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया, और पूरी इंडिया में ये घूमे, और इवन अरेबिया भी ये गए, और शिप्स में काम करते थे, और सूफीज और सन्यासीज के साथ रहते थे, और इन्होंने पॉवर्टी, इंसेनिटी और लाइफ इन प्रिजन के बारे में लिखा, और ये ऐसी कुछ टॉपिक थे जिनके बारे में मलयालम में कभी पहले नहीं लिखा गया था, इसीलिए इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है और काफ़ी डिफरेंट है। ओके, तो इन्होंने बहुत ही एक डिफरेंट सी चीज़ मलयालम लिटरेचर में ऐड कर दी। उसके बाद है नेशन एंड इट्स स्टोरी, तो हिस्ट्री इन कॉलोनियल टाइम्स डिपिक्ट करती थी इंडियंस को कि वो लोग बहुत वीक हैं, इनकी सोसाइटी बहुत बिखरी हुई है और डिवाइडेड है, और टोटली डिपेंड करती है ब्रिटिश लोगों पे, और अगर ब्रिटिश ना हो तो शायद इंडिया जो है वो बिल्कुल अलग थलग हो जाएंगे, ये लोग एक दूसरे को अटैक करके बिल्कुल मार देंगे, इस तरीके की थिंकिंग जो है हिस्ट्री में कॉलोनियल टाइम्स में दिखाई जाती थी। अब जो बंगाल में हिस्टोरिकल नोवेल्स लिखी गई जो कि मराठास और राजपूत के ऊपर इन बुक्स होती थी, और इसमें दिखाया जाता था कि कैसे हम बहुत कि जो राजपूत और मराठास हैं इनकी स्टोरीज़ को, कि कैसे वो बहुत एडवेंचरस हैं, हीरोइज्म है, रोमांस और सेक्रीफाइस सब कुछ है, और हमारे पास्ट को ग्लोरीफाई करने की यहाँ पे कोशिश हो रही है। बुधेब मुखोपाध्याय जो हैं, इन्होंने लिखी अंगुरिया बिनिमोए, ये पहली हिस्टोरिकल नोवेल थी जो कि बंगाली में लिखी गई थी। बंकिम चंद चट्टोपाध्याय, इन्होंने आनंद मठ लिखी, ये एक नोवेल है जो कि हिंदू मिलिशिया के बारे में है, और इन्होंने मुस्लिम मुस्लिम जो हैं उनके साथ फाइट करी और हिंदू किंगडम को एस्टेब्लिश किया, इस चीज़ के बारे में ये पूरी बुक है, और यही वो बुक है जिसके सामने वाले पेज में वंदे मातरम लिखा हुआ है, और वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग भी है। उसके बाद है नोवेल एंड नेशन मेकिंग, तो नोवेल्स जो हैं इन्होंने, जब ये इतनी सारी हिस्टोरिकल नोवेल्स लिखी गई होंगी तो डेफिनेटली जो हमारे आम लोग हैं, सिटीजन्स हैं जिन्होंने इन बुक को पढ़ा होगा, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए होंगे, और उनके मन में भी एक नेशन और नेशनैलिटी वाली बात है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग की बात है, वो आई होगी, और ये चीज़ जो है ये अचीव करी गई थी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो नोवेल राइटर्स हैं वो लोग क्या करते थे, अलग अलग सेक्शन के लोगों को जब अपनी कहानियों में डालते थे तो लोग बहुत खुश होते थे और लोग अपने आप को रिलेट कर पाते थे। अगर आप सिर्फ अपर कास्ट के बारे में लिखोगे तो एक एक पार्ट होगा सोसाइटी का जो आपको नहीं समझ पाएगा, और अगर आप सिर्फ गरीब लोगों के बारे में या फिर लोअर कास्ट के बारे में लिखोगे तो फिर भी एक पार्ट रह जाएगा सोसाइटी का जिसके बारे में जो आपको नहीं समझ पाएगा, लेकिन आप अगर हर एक मेंबर के बारे में लिखोगे, हर एक तरीके की जो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी होती है उसके बारे में लिखोगे
तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और ज़्यादातर लोग आपको समझने की कोशिश करेंगे एंड पूरी सोसाइटी जो है जैसी सोसाइटी है वैसा ही पोर्ट्रेयल होगा और वो बहुत ही एक नेचुरल एंड इन्फ्लुएंशियल नोवेल बनेगी। प्रेमचंद्र ने बहुत से अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ अपनी नोवेल्स को दिखाया जो कि अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से आते थे। रंगभूमि इन्होंने एक नोवेल लिखी जिसमें सूरदास एक अंधा बैगर है वो हीरो है एंड गोदान में होरी और धनिया जो है ये एक किसान है, किसान दंपत्ति हैं यानी कि किसान कपल हैं और ये लैंडलॉर्ड्स के जो ऑपरेशन है यानी कि जो उनकी जबरदस्ती है उससे परेशान हो रहे हैं एंड उन्होंने फाइट किया उसको। ऐसा नहीं है कि ये लोग मतलब चुप हो जाते हैं जब लैंडलॉर्ड्स इनको परेशान करते हैं, ये फाइट करते हैं लैंडलॉर्ड्स के ऑपरेशन को और मनी लेंडर्स को और इवन कॉलोनियल रूलर्स को, क्योंकि हमने देखा क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री में एक ऐसा वक्त आया था जब वीवर्स को और जो किसान होते थे उनको जो लैंडलॉर्ड्स परेशान करते थे, मनी लेंडर्स भी परेशान करते थे, साथ साथ कॉलोनियल रूलर यानी कि जो अंग्रेज होते थे वो तो परेशान करते ही थे क्योंकि उनको उनसे प्रोड्यूस चाहिए होता था। जो भी आपने खेती करके उगाया है, जो भी आपने बुना है, आप हमें दे दीजिए, इस तरीके से उनका ऑपरेशन हुआ करता था और उनको पेमेंट बहुत कम मिलती थी। सो इसलिए ये जो पीजेंट्स की कहानी है, पीजेंट्स की स्टोरीज जो हैं ये बहुत पेनफुल होती थी और नोवेल्स में इसको जब लिखा जाता होगा तो ये काफ़ी पॉपुलर भी होती होंगी। उसके बाद है कि जो नोवेल है, नोवेल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ शेयरिंग आई कि हम इसी एक कंट्री को शेयर करते हैं और अलग अलग लोगों को हम समझ पाए, चाहे वो फिशरमैन हो, चाहे कोई बेगर हो, चाहे कोई किसान हो, तो सबको हम समझ पाए। तो अलग अलग रीडर्स जब इसे पढ़ते होंगे तो वो लोग सोसाइटी में रहने वाले अलग लोगों को भी समझ पाते होंगे और उनकी ज़िंदगी को भी समझ पाते होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बंगाली राइटर हैं, ये बंगाली में और इंग्लिश में भी लिखते हैं और बंकिम चंद चट्टोपाध्याय के बाद यही हैं जो कि बंगाली में ग्रेट राइटर रहे हैं और इन्होंने स्टार्ट किया था बाय राइटिंग हिस्टोरिक नोवेल्स। तो ये भी हिस्टोरिक नोवेल्स लिखते थे, उसके बाद वो डोमेस्टिक रिलेशन के बारे में, नॉर्मल जो आसपास के समाज में जो चीज़ें हो रही होती हैं उनके बारे में ये लोग लिखने लगे। और ज़्यादातर जो इनकी नोवेल्स की थीम रही है वो रही है वुमेन एंड नेशनलिज्म। सो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ भी मिला था और ये पहले इंडियन रहे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑथर भी हैं ये, और ये गीतांजलि भी इन्होंने लिखी है। गीतांजलि एक बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है, तो वो भी इन्होंने लिखी है। ये था हमारा आज का चैप्टर, इसका नाम था हिस्ट्री नोवेल एंड सोसाइटी। आई होप आप लोगों के लिए मैंने इस चैप्टर को आसान बनाया होगा। आई थैंक यू ऑल फॉर बींग विद मी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन सी यू एंड टेक केयर।